बेटा आवाज आ रही है सबको? हाँ आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ओके ग्रेविटेशन बस बेटा आवाज में इट इज अ वीकेस्ट फोर्स इन इज द वीकेस्ट फोर्स दुनिया में सबसे वीक फोर्स वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग नेचर It exists with two masses. It exists between two masses. कहीं बैठ जाओ बोर्ड की तरफ। सर आपकी साउंड क्लियर नहीं है। क्या कह रहे बेटा? सर आपकी साउंड क्लियर नहीं है। देर नहीं है? एक मिनट अभी आए। अब बता आवाज आ रही है सही? हेलो यस सर। ओके इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर नंबर वन। बेटा आवाज नहीं बिल्कुल भी। एक ही लेक्चर एक चैप्टर के लिए कंबाइन किया मैंने ग्रेविटेशन के लिए दोनों का कॉमन है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वो होती है जो सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स नंबर फोर। इट ओबे इनवर्स केयर लॉ। ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होते हैं। इट ओबे इनवर्स केयर लॉ। इट इज वीकेस्ट फोर्स। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट ओबे इनवर्स केयर लॉ। इनवर्स केयर लॉ का मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो भी उसके स्क्वायर के। फोर फिफ्थ पॉइंट। ये फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डिपेंड करती है। ये फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डिपेंड करती है। एंड सिक्स इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक भी अप्लाई होती है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज ए वीकेस्ट फोर्स। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ओबे इनवर्स केयर लॉ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डिपेंड करेगी एंड इट इज ए लॉन्ग रेंज। ये तो हम थ्योरी क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये वाली प्रॉपर्टी। बट अब हम सीधा सीधा कॉम्पिटेटिव पार्ट पे आ रहे हैं। कूलम्स ने हमें बताया कि ये फोर्स एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर के जी इज कॉल्ड कूलम ने नहीं सॉरी न्यूटन ने इट इज गिवन बाय न्यूटन। द लॉ इज कॉल्ड न्यूटन लॉ। इसके अंदर जी की वैल्यू आपके पास फिक्स है
6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11। यूनिट क्या बनेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। कोई भी दो बॉडी है, जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी है, तीन ले लेते, देयर आर थ्री बॉडी। इसका मास है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, और हमें निकालनी है फोर्स 2 किलोग्राम पे। हमें फोर्स किस पे निकालनी है? 2 किलोग्राम। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव है, एक पॉइंट और लिख लो, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये रिपेल नहीं करती। तो 3 किलोग्राम वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी, 4 किलोग्राम वाली बॉडी भी इसको अट्रैक्ट करेगी। तो एरोज आप ऐसे बनाओगे जिसके ऊपर आपको फोर्स लगानी है उसी पे लगाना है। अगर इस पे लगानी होती तो इसको 2 किलोग्राम वाली फोर्स इधर अट्रैक्ट करती और 4 किलोग्राम वाली फोर्स इधर अट्रैक्ट करती, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और अगर मुझे 4 किलोग्राम पे दिखाना होता तो इसको 2 किलोग्राम ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और 4 किलोग्राम इधर अटैक करे। हमेशा पेयर में होती है ये फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेट की मुझे इस पे फोर्स निकालनी है, डिस्टेंस इज 1 मीटर इधर भी और इधर भी, तो फिर मेरे को ये एरोस दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे वही एरोस दिखानी है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। हम किस पे फोर्स लगा रहे हैं? 2 किलोग्राम पे। कितनी फोर्स लगेगी? फॉर्मूला ये 2 × 3 6 g r 1। तो एक बार g में ही लिख लो, 6g। कितनी फोर्स लगेगी? 6g। 2 × 4 r 1 कितनी फोर्स लगेगी? 8g। तो टोटल फोर्स कितनी होगी? 14g। रॉन्ग आंसर बेटा, ये वेक्टर है और वेक्टर में आपको पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकालना है। आपको बताएगी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली फोर्स बनेगी 6g का स्क्वायर 8g का स्क्वायर। कॉस 90 जीरो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना, कॉस 90 जीरो होता है। तो ये बनेगा रूट ऑफ 14 × g इज आंसर। यहाँ 6 का भी आएगा, ये 36 बनेगा और ये टोटल 10g बन जाए। और कंपटीशन में ऑप्शन आपको कैपिटल जी में भी दिए जा सकते हैं, या आप इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 6.67 × 10^10। अब आप लोगों ने क्या करना है, यही क्वेश्चन है। 3 किलोग्राम पे फोर्स निकाल सर, फाइंड द फोर्स ऑन 3 किलोग्राम। अपने आप डायरेक्शन बनाओ, अपने आप फोर्सेस बनाओ। 1 1 मीटर है बेटा, 3 और 2 में भी और 4 और 2 में भी, दोनों में। अच्छा, 3 और 4 में आपको निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस लगा के आप डिस्टेंस लगा, हाँ उन दोनों में 1 1 है, 3 और 2 में भी 1 है और 4 और 2 में भी 1 है, 3 2 में भी 1 है, 4 2 में भी 1 है। आपको बाकी के डिस्टेंस निकालने, ठीक है।
हो गया, एंगल कितना लिए 90, एंगल अपने आप निकाल लो बेटा, तीनों साइड पता तो आप एंगल ही निकाल सकते ट्रिग्नोमेट्री से, अगर आपको तीनों साइड पता हो तो क्या आप अपना एंगल नहीं निकाल सकते क्या? निकालो फिर, सेम आंसर आएगा, देख लो इधर। इस बार हमने 3 पे निकालना और ये कितना था 2, ये ने 3 को अपनी तरफ अटैक, इसको अपनी तरफ अटैक किया बाय 12g डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कितना बनेगा 2, तो ही बनेगा ना 6g ये होगी, r स्क्वायर कितना बनेगा रूट 2 का स्क्वायर ना, तो ये भी 6g होगी। अब ये वाला एंगल क्या होगा उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, हमें कॉस थीटा की जरूरत है, कॉस थीटा की, वैसे ये एंगल 45 ही होगा, 45 ही होगा ना ये एंगल, एंगल 45 है अपने पास, नेट फोर्स क्या होगी 6g का स्क्वायर, 6g का स्क्वायर और cos of 45 कितना, टू प्लस रूट टू कितना बन गया 2 प्लस रूट, कोई डाउट किसी में कर लोगे, ये नेक्स्ट लिखिए, ये एक मास है बेटा, सुनो इधर से ध्यान दो, पूछना तो लगते थे, डिस्कस मत करो आपस में, ये 3 मास बनाओ आप इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर, मेक 3 मासेस इक्वल पॉइंट मासेस हैं MM, और साइड कितनी है A और A, MM 3 है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, आपको इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस मास जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालनी है, फटाफट निकाल। यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन मास एम, शेडेड मास एम, ये मत पूछना कि इक्विलेटरल में एंगल कितना और कॉस 60 भी मत पूछना कितना, बेसिक बेसिक गलतियां मत करो, नेट फोर्स निकालो बाहर जाके, कॉस 60 कितना होता है, करो करो आंसर निकाल, हो गया। इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के, नंबर 1 फाइंड द फोर्स
और नंबर टू उसी फोर्स से ये पूरा सिस्टम एक सर्कल में घूम रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ये अपनी म्यूचुअल अट्रैक्शन से तीनों एक सर्कल में घूम रहे हैं, यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले तो फोर्स निकालो, फोर्स कितनी बनी है देखना एक बार। एक फोर्स इधर आएगी और एक फोर्स इधर आएगी, ये वाली फोर्स बनेगी जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और ये वाली फोर्स बनेगी जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एंगल इज 60। तो नेक्स्ट फोर्स किस तरफ आएगी देखो, बिल्कुल 30 डिग्री को क्रॉस करते करते सेंटर की तरफ जाएगी नेट फोर्स, और वो फोर्स कितनी बनेगी बताओ, आपने सॉल्व की होगी। ए इसको मैं एफ ए का नाम दे देता हूँ ए स्क्वायर, ये भी सेम ही है ए स्क्वायर कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है 1/2 गया, तो आपके पास रूट थ्री ए, ए की वैल्यू पुट कर दो रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाय ए। इतना समझ में आ गया। इसका जो अगला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट, सेकंड पार्ट इज पूरी स्टेटमेंट लिखो, तो दीज मासेस, अगला पार्ट की स्टेटमेंट लिखो, दीज मासेस आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, इस सर्कल में घूम रहे अपनी इसी फोर्स के कारण। तो ये फोर्स क्या काम करेगी, सेंट्रीपेटल फोर्स का। जब कोई भी बॉडी सर्कल में घूमेगी तो ये वाली फोर्स जो नेक्स्ट फोर्स आई है, ये फोर्स किसका काम करेगी, सेंट्रीपेटल फोर्स का। और सेंट्रीपेटल फोर्स आपको पता है mv स्क्वायर बाय r, r क्या लोगे इस सर्कल का रेडियस, जो कि इसके सेंट्रोइड से निकलेगा, सेंट्रोइड से किसी भी वर्टिक्स का सेंट्रोइड से डिस्टेंस कितना होता है, किसी भी वर्टिक्स का सेंट्रोइड से डिस्टेंस नहीं, तो रेशियो होते हैं, डिस्टेंस कितना होता है साइड बाय रूट थ्री, ये वाला डिस्टेंस अगर यहां पर सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है इस साइड को, 2:1 में डिवाइड करता है, और ये वाली साइड कितनी है ए, ये कितना है ए बाय 2, तो पूरी साइड कितनी होगी, पूरी साइड बन गई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 रूट 3/2 ए, ये पूरा मीडियन बन गया। मीडियन वो होता है जो सेंट्रोइड में से पास करता है और साइड को बाइसेक्ट करता है। अब इसको 2:1 में डिवाइड करोगे तो 2/3, आपने अब बार बार निकालना नहीं है, याद रखना, नोट कर लो, सेंट्रोइड का डिस्टेंस वर्टिक्स से साइड बाय रूट थ्री, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द वर्टिक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज साइड ऑफ द ट्रायंगल बाय रूट थ्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो सेंट्रीपेटल फोर्स किसके इक्वल कर दोगे आप, एमवी स्क्वायर बाय आर, और F मैंने कितना निकाल लिया, F मैंने निकाल लिया रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इस R को मैं क्या लिख सकता हूँ A बाय रूट थ्री, इस R को क्या लिख सकता हूँ A बाय रूट थ्री। अगर मुझसे स्पीड पूछी जाए, सिर्फ स्पीड, तो रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, एक मास से एक मास, एक A से एक A, तो स्पीड आएगी रूट ऑफ जी एम बाय ए, दिस इज द स्पीड ऑफ ईच मास रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। एक बार नोट कर लो, मैं रिपीट कर दू, नेट फोर्स को किसके इक्वल किया, नेट फोर्स को हमने किया सेंट्रीपेटल फोर्स से, क्योंकि ये म्यूचुअल अट्रैक्शन से घूम रहा, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स में
निकालनी हो तो एम वी निकालना है तो रूट सी एम बाय सी। अगर ओमेगा निकालना हो एंगुलर स्पीड, वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। वी इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन में पड़ा हुआ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी आपके पास कितना आ गया, रूट जी एम बाय ए, और आर कितना था, ए बाय रूट थ्री ओमेगा। यहां से आप अपना ओमेगा कैलकुलेट, ये पूरा नोट कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर फोर्स लगी, दोनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ आ गया और उसी फोर्स से वो सर्कल में घूम रहा है। उस फोर्स को कैलकुलेट कर लिया हमने वेक्टर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। उसी फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर लिखा। आर ए मत लिखना, ए तो साइड है ये। आर कैसे निकालोगे, इस सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा, वो होगा ए बाय रूट थ्री। उसको मैंने पुट कर दिया यहाँ, वी निकाल ली और वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। किसी को डाउट लिखो एक स्टेटमेंट आपको बेटा, नहीं लिखिए, फोर इक्वल मासेस एम ईच, फोर इक्वल मासेस एम ईच आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। इस बार उनको स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखो, ऑन द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए। फाइंड द नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द मास, किसी एक मास से आप नेट फोर्स निकालो, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा पार्ट भी लिख लो, दीज मासेज आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, फाइंड द स्पीड ऑफ दीज मासेज। सेम क्वेश्चन दिया मैंने बट अब डायग्राम चेंज कर दिया, अब तीन की जगह पे चार मासेज हो गए स्क्वायर के ऊपर। बनाओ, देखते हैं किसका सबसे पहले होता है। जो लोग कनेक्टेड है वो अपना फोटो भेज देना, पिक भेज देना उसके अंदर व्हाट्सएप पे। साहिल क्लास में हो, कनेक्टेड भी हो, सचिन भी कनेक्टेड है, अनुराग भी कनेक्टेड है ना, अनुराग आप भी कनेक्टेड हो, अनुराग? यस सर। ओके करो, इस सम को करो, एक मास पे तीन फोर्स लगेंगे, अब दो साइडों से एक डायगोनली, उनका रिजल्ट निकालना पड़ेगा तीनों का। दो का निकाल दो, उसमें ऐड कर दो तीसरी की तरफ, ये साइड वाली दो का निकालोगे तो उसी डायरेक्शन में ही आएगा, फिर दोनों को ऐड कर दो। और स्पीड
बेटा उसी तरह से कर ले, एक बार मैच कर लो, सही कर भी रहे। एक बॉडी, दो, तीन, चार, इनमें से किसी एक से फोर्स निकाल लो जो आपको ठीक लगता है, इससे निकाल लो। एक फोर्स इधर आएगी, जी एम बाय जी एम स्केयर बाय स्केयर। एक फोर्स इधर आएगी, जी एम स्केयर बाय स्केयर। और एक फोर्स इधर आएगी, कितनी आएगी है, जी एम स्केयर बाय टू ए स्केयर। चेक करो क्या ये तीन फोर्सेस बन जाएंगी। अब ये दोनों इक्वल फोर्सेस है तो इन दोनों का रिजल्ट इधर आएगा, इक्वल नहीं होती तो फिर इधर नहीं आता। फिर आप कंपोनेंट बनाते फिर रिजल्ट निकाल, कंपोनेंट से मैं करवा रहा हूँ। अभी तो मैंने तीनों मास इक्वल दिए चारों, इसलिए आप इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो वो इधर ही आएगा, फिर आप इसमें ऐड कर दोगे। मान लो ये इक्वल ना होते तो फिर आप क्या करते, ये एंगल 45 है ना, तो बीच वाली के कंपोनेंट बना ले। इसका कंपोनेंट बनेगा जी एम स्केयर ए स्केयर कॉस 45 होता है 1/√2। कॉस 45 कितना होता है 1/√2। और इधर साइन 45 आएगा वो भी कितना होगा, फिर क्या कह रहे हो, हाँ ये 2 भी था, ये 2 भी था, 2 ए स्क्वायर साइन 45 भी कितना होता है 1/√2। अब इसका रोल खत्म हो गया, जिसके कंपोनेंट बन जाते हैं उसका फिर रोल खत्म हो जाता है। फिर आप इनका रिजल्ट निकालोगे इन सब का, पहले इसको सॉल्व कर लो, कुछ कॉमन आता है, जी एम स्केयर बाय ए स्केयर कॉमन ले लो, ये बनेगा 1+2। दोनों इक्वल फोर्सेस है ऊपर भी और नीचे, और दोनों में एंगल कितना है 90, तो नेक्स्ट फोर्स बन जाती है √2 ऑफ द 1 ऑफ द फोर्स, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाकी कॉस 90 जीरो होगा तो √2 है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को। तो मैं यहाँ नेक्स्ट फोर्स लिख रहा हूँ जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, √2 से किया तो √2 प्लस में 1/2, ये मेरे पास नेट फोर्स है। आप चेक करो आपने अगर निकाली है ये आ रही है। अब ये फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगी और ये सारे के सारे इस पार्टिकल इस सर्कल में घूमेंगे, ये सारे के सारे इस सर्कल में घूमेंगे, तो इसका रेडियस क्या होगा, ए बाय कितना, ए बाय √2। इसका रेडियस कितना होगा, ए बाय √2 ना, अपॉन 2 नहीं बेटा, वो √2/2 करेगा तो कितना होगा, ये देखना ये a, ये a है, ये कितना हुआ √2a, बाय हाफ करेगा तो a बाय √2, a बाय √2। तो इस फोर्स को जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2 को एम वी स्क्वायर बाय रेडियस a √2 कर दो, mv square by radius। अब आप सिंप्लीफाई करो, पूरा सॉल्व करता हूं तो ये आंसर आता है, एक m से एक m जाएगा, एक a से एक a जाएगा, ये √2 इसके नीचे आएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 √2। तो मेरा आंसर ये बन रहा है gma 1+2√2 सारे का स्क्वायर रूट। इस स्पीड से दिस इज द स्पीड विद विच दीज ऑल पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। कंसेप्ट समझ में आ गया, इसके कंपोनेंट के बिना भी बात बनती थी इस केस में,
क्योंकि इक्वल फोर्स थी, तो आप दो का रिजल्ट निकालते तीसरी में ऐड करते, वो इजी हो जाता, बट वो तब लगाना है जब इक्वल मास थी। जैसे ये वाली फोर्स कितनी थी, चलो समझ में आई क्या, आप कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट पे आओ। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ रोड, एक रोड ले लो, बिटवीन अ रोड एंड मास स्मॉल m, रोड का मास ले लो कैपिटल m, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ रोड जिसकी टोटल लेंथ कितनी है l, और ये वाला जो मास है यहां से a डिस्टेंस दूर है, ये कहां से दिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से a डिस्टेंस दूर है, अब पूरी रोड का मास है पूरी रोड, और मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल, आप पहले समझना इसको तभी होगा। ये जो फॉर्मूला है ना अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए लगता है, पॉइंट मास स्मॉल मास के लिए लगता है, बाद में आप इंटीग्रेशन कर सकते, ये स्मॉल मास नहीं है रोड, इज अ बिग मास। तो हम क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे कोई भी, जैसे मैंने ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसको मैं डार्क कर लू, उस स्मॉल एलिमेंट का यहां से डिस्टेंस भी लेट कर लो एक्स, स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस मास से कितना लेट कर लो एक्स, और स्मॉल एलिमेंट की जो खुद की थिकनेस लेंथ है वो भी आप डी एक्स लेट कर लो, डी एक्स स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी लेट कर लो डी एक्स, तो ये स्मॉल मास कितना होगा, टोटल मास है एम, टोटल लेंथ है एल, तो डी एक्स लेंथ का जो मास होगा उसी को स्मॉल मास कहेंगे ना, स्मॉल मास कैसे निकालते हो, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ जिसका आपको मास निकालना, क्या हुआ तेरे को, तकलीफ है भाई है ना, स्मॉल मास क्या होगा, टोटल मास अपॉन लेंथ इनटू दिस, अब इस स्मॉल मास का डिस्टेंस इस मास से कितना है m, तो स्मॉल फोर्स निकाल लो g स्मॉल मास m बाय x, ये लो तभी लगाओगे जब स्मॉल मास हो, बड़े मास के लिए एप्लीकेबल ही नहीं। अब dm की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये मेरे पास क्या बन गया, m बाय l इंटू m dx बाय x के, नोट करते जाओ, अब आप इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करते वक्त आपको लिमिट का ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंट को तो आप बाहर निकाल लो, वेरिएबल आपका x है, अब कम से कम x कितना ले हम इस रोड से, a यहां से शुरू होती है ना रोड, कम से कम ये डिस्टेंस कितना a, और ज्यादा से ज्यादा इस रोड का डिस्टेंस वहां से कितना है l प्लस a, ज्यादा से ज्यादा कितना है l प्लस a, जब आपने x वेरिएबल लिया उसकी लिमिट कैसे डिसाइड होती है, x कम से कम कितना हो सकता है रोड से, a, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा एल प्लस ए, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हो, वन बाय एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को पहले ऊपर लेके जाते हो एक्स की पावर माइनस टू, उसमें एक ऐड करते हो उससे डिवाइड करते हो, तो एक्स की माइनस वन बाय माइनस वन मेरे पास बन गया जी एम एम बाय एल वन माइनस एक्स बन गया, चेक करके देखो वन माइनस एक्स, क्योंकि आप एक्स की माइनस टू में वन ऐड करोगे तो एक्स की माइनस वन बनेगा, नीचे भी माइनस वन आएगा। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, आप चाहो तो इस माइनस को बाहर निकालो, तो आपके पास बन गया जी एम एम बाय एल
वन बाय एल प्लस ए माइनस वन बाय ए। एलसीएम लेके और सॉल्व कर देता हूँ, ये बनेगा माइनस जी एम एम बाय एल ए माइनस एल माइनस ए ए इंटू एल प्लस ए। नहीं बेटा नहीं, माइनस टू क्यों, एक्स की माइनस टू का क्या हो, क्या बनाएंगे, माइनस वन ही बाहर आएगा ना। तो अपने पास ये एलसीएम लेके ये रह गया, और ये माइनस और माइनस कट गया और एल से एल कट गया, तो अब ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया जी एम एम, सबसे कम डिस्टेंस और सबसे बड़ा डिस्टेंस का प्रोडक्ट, सबसे कम डिस्टेंस और सबसे, इसलिए कि पता चल जाए। उसके बाद मैं आपको हमेशा यही बताऊं कि जब भी रोड से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी हो, आपको मालूम हो ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ का प्रोडक्ट, तो आंसर बनेगा, इसका सीधा आंसर बनेगा जी एम एम, सबसे कम लेंथ कितनी 4, सबसे बड़ी लेंथ कितनी 10, तो आंसर आ गया जी एम एम। वीडियो रुक गया क्या, देखो नहीं से आ रहा, इधर आ रहा है, तो ऐसे देख लो, लिखो एक सम लिखो, सभी लोग लिखो एक सम, ये एक रोड है जिसका मास 10 किलोग्राम, रोड का मास कितना है 10 किलोग्राम, इसकी लेंथ है 2 मीटर, इसके सेंटर से 5 मीटर दूर एक मास पड़ा हुआ है 2 किलोग्राम, सेंटर से 5 मीटर दूर एक मास पड़ा है 2 किलोग्राम का, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, देखते हैं फटाफट कौन करता है। इस बार सेंटर से पड़ा हुआ, सेंटर से पड़ा हुआ बेटा, सेंटर पे नहीं पड़ा हुआ, फाइव बाय सिक्स जी एक बच्चा कह रहा है। कम से कम डिस्टेंस कितना बन रहा है ये देखो, कम से कम कितना बन रहा है, 4 बन रहा है ना, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है रोड की 2, सेंटर से डिस्टेंस है तो सेंटर कितना है 1 मीटर, तो मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 6 है, बस आपको मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर दो जी एम एम बाय 4 इंटू 6, जी एम एम बाय 4 इंटू 6 कर लोगे सभी लोग, क्या बेटा कितने, कौन से वाला पॉइंट मास, जो एक ही जगह पे पड़ा हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मास है कितना भी हो या उसके सेंटर पे लगाओ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि ये मास कितना कितना हो, लेकिन अगर एक पॉइंट पर पड़ा हुआ है तो वहीं लगा सकते हो, पॉइंट मास के लिए, मतलब सारा मास एक पॉइंट पे, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे पहले लिखो ग्रेविटी क्या होता, ग्रेविटी ग्रेविटी होता है एक बहुत बड़ी बॉडी का छोटी बॉडी के साथ अट्रैक्शन, एक बहुत बड़ी बॉडी का
छोटी बॉडी के साथ अट्रैक्शन, जैसे एक छोटी बॉडी है और बड़ी बॉडी है, मास ऑफ द अर्थ ले लेते हैं, उस केस में ना ये सिमेट्रिकल बॉडी है। अभी ये पॉइंट मास तो नहीं है बट सिमेट्रिकल बॉडी का हम सेंटर, इट इज ए सेंट्रल फोर्स, उसका सेंटर डील करें। तो जो डिस्टेंस लेंगे इनके बीच में वो ये डिस्टेंस नहीं होगा, वो ये डिस्टेंस होगा, तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हो। अगर बॉडी स्फेरिकल हो उसके सेंटर से लगा दो। तो अगर ये डिस्टेंस एच है यहां से यहां तक और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बनेगी? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी आर प्लस एच का स्क्वायर, आर प्लस एच का स्क्वायर, फॉर्मूला वही है जी एम एम बाय आर। बट यहां पर डिस्टेंस सिमेट्रिकली स्फेरिकल बॉडी में आप सारा मास सेंटर पे मानते हो, सेंटर ऑफ मास पे मानते हो, इसलिए ये थ्योरम या ये लॉ यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये स्फेरिकल ना होती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये रोड होती या एलिप्टिकल होती या किसी और शेप की होती तो ये फॉर्मूला अप्लाई होती। और अगर इस बॉडी को मैं इसके ऊपर ले आता हूँ यहाँ पर, तो ये फोर्स चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी जी एम एम बाय आर। तो आपको ये नोट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स सरफेस पे लगती है, सरफेस के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है और सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी कम हो जाती है। अब कितनी कम हो जाती है वो हमें डिस्कस कर लें। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले नोट करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको मैं जी से भी नोट कर सकता हूँ, आप काइनेमेटिक्स में यूज कर चुके हो। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऑन द सरफेस ये फोर्स कितनी थी जी एम एम बाय आर के, वो मास कट जाता है जिसके जिसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी जी एम बाय आर। थ्योरी क्लास में पढ़ा हुआ सब जी एम बाय आर। जैसे हम हाइट पे जाते हैं ये फोर्स ये एक्सेलरेशन बन जाती है आर प्लस एच का स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में ये रिलेशन आया आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू जी, हाइट के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, इट डिक्रीजेस विद द हाइट। और यहाँ एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी आप लिख लो, अप्रोक्सीमेट वो बाइनोमियल लगा के निकालते हैं, निकालने की जरूरत नहीं, आप नोट करते। अगर एच की वैल्यू आर के कंपैरेटिवली बहुत कम हो, अगर एच की वैल्यू आर के कंपैरेटिवली बहुत कम हो तो हम कुछ चीजें निगलेक्ट करते हैं, तो फॉर्मूला बनता है वन माइनस टू एच बाई आर इंटू जी। यहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा हो, ये कब लगाना है जब एच की वैल्यू आर से बहुत कम हो, और ये तब लगाना है जब एच की वैल्यू कंपेरेबल टू आर हो, आर की टर्म में हो, आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में हो, तो आपने ये तो है एग्जैक्ट फॉर्मूला, कभी भी लगा सकते हो, ये है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। सिमिलरली डेप्थ का भी फॉर्मूला नोट कर लो, डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा कॉम्पिटिशन क्लास में, आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं और उसको यूज करना है। डेप्थ के अंदर वन माइनस बी बाय आर होगा, यह होता है वन माइनस बाय आर, वहां होता है वन माइनस, लिख लो इनको। डेप्थ के अंदर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, हाइट पे भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो मैक्सिमम कहाँ होगी ऑन द सरफेस। इन दोनों फॉर्मूलों को देख के ये बता दो कि कहाँ पर जी की वैल्यू ज्यादा चेंज हो रही, डेप्थ में या हाइट में। अगर हम हाइट एक किलोमीटर जाए और डेप्थ एक किलोमीटर जाए तो जी ज्यादा चेंज कहाँ हो रहा है, ये चेक करके बताओ।
हाइट पे श्योर सोच लो, अगर 2hd के इक्वल ले लूं मैं तो g की वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब हाइट डेप्थ का हाफ। डेप्थ में अगर मैं 1 किलोमीटर जाता हूं तो हाइट में मुझे सिर्फ आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा g की वैल्यू सेम के लिए, तो ज्यादा वेरिएशन कहां हुई, हाइट में या डेप्थ में? हाइट में या डेप्थ में? फिर सुन लो, एक के फॉर्मूले में 2h आ रहा है, एक के फॉर्मूले में d आ रहा है, सुन लो ध्यान से, सुन लो पेन ड्रॉप हो गया, सुन, एक के फॉर्मूले में 2h आ रहा है, एक के फॉर्मूले में d आ रहा है, दोनों को अगर मैं इक्वल करता हूं तो g की वैल्यू सेम आती, विच मीन्स एच इज इक्वल टू डी बाई टू पर g की वैल्यू सेम आती है। अगर मैं डेप्थ में d जाता हूं तो मुझे हाइट सिर्फ डी बाई टू जाने पर मेरी वैल्यू उतनी ही चेंज होती है जितनी डी डेप्थ में होती है, इसका मतलब कम डिस्टेंस पे उतनी चेंज हो रही है, तो ज्यादा चेंज कहाँ हो रही है, हाइट पे। हाइट पे चेंज डबल होता है अप्रोक्सीमेटली टू दैट ऑफ डेप्थ, नोट कर डेल्टा जी, डेल्टा जी एट हाइट इज अप्रोक्स चेंज टू टाइम्स दैट ऑफ डेल्टा जी एट डेप्थ। कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ध्यान से देखो, तो डी कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एच मेरे पास डी बाय टू, एच कितना हुआ डी बाय टू, तो अगर एच डी बाय टू है तो हाइट मेरे को आधा किलोमीटर कवर करना है और डेप्थ 1 किलोमीटर, चेंज ज्यादा कहाँ हुआ, हाइट में हुआ, और कितना चेंज हुआ, अप्रोक्सीमेटली डबल, ये क्वेश्चन आया हुआ कॉम्पिटिशन, वेरिएशन ऑफ द जी with height is more or variation of g with depth is more, दोनों में comparison height की जगह as compared to depth, height की ज्यादा होगी as compared to half की ज्यादा बड़ा, 2h is equal to d n, हाँ देख लो वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू पुट कर, अगर डेप्थ 1 किलोमीटर है तो हाइट कितनी होगी, हाफ किलोमीटर, डेप्थ की वैल्यू पुट कर 1 किलोमीटर, डेप्थ की वैल्यू पुट कर, एक किसी एक को लेट कर लो, डेप्थ को लेट कर लो हाइट निकालो, या हाइट को लेट कर लो 1 किलोमीटर डेप्थ निकालो, वैसी लिखा मैंने, अच्छा आप कह रहे उल्टा लिख दिया ना, ऐसा लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे पॉइंट, किसका आ रहा ज्यादा, डेप्थ का ज्यादा चेंज हो रहा है सेम हाइट पे, कोई बात नहीं आ जाते हैं उस पर, आ जाते हैं, चलो आ जाओ, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, वैल्यूज ले लेते हैं ना, यही कह रहे हैं वैल्यूज ले लेते हैं सेम, जी ऑन द सरफेस कितना होता है 9.81, यही होता है, जी एट हाइट ले लेते हैं 1 किलोमीटर, 1 1 ले ले, दोनों 1 1 ले ले, तो ये बनेगा g 1-2 बाय r, अब g एट डेप्थ ले लें, g एट डेप्थ ले लें, ये कितना बनेगा g कौन सा ज्यादा कम हुआ, तो वेरिएशन ज्यादा किसकी है, या इसमें भी डिफरेंस लेके बताओ, नहीं कर लेते, मान लो रेडियस 4 है, हाइट हाइट में डबल, ये कंफ्यूजन रहता ही, इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि ये दूर हो जाए,
हाइट में मैंने इक्वेट करके आपको ये बताया था, जी की वैल्यू को मैंने इक्वेट किया, फिर आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ कि जी की वैल्यू सेम होती है जब 2h इक्वल टू डी होता है, h इक्वल टू डी बाय 2 होता है, हाइट में आपको डेप्थ का हाफ करना है और उतना सेम चेंज आ रहा है, इसका मतलब वेरिएशन ज्यादा का होगी, हाइट से हो रही है, वो आधा किलोमीटर में उतना चेंज लेके आ रहा है जो वो एक किलोमीटर में ला रहा है, वेरिएशन वेरिएशन की बात करो, कृतिका को भी डाउट, इसको ध्यान रखना, डाउट नहीं होना। नेक्स्ट लिखे, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन जी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, यस बस कोई लास्ट की जी वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर होमवर्क दे दूंगा, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, बेटा 11 o'clock क्या तो शार्प आना, जब भी क्लास होगी मोस्टली 4 days तो करेंगे, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का घूमना, अर्थ वैसे तो पूरी तरह से गोल नहीं है, हम उसको स्फेरिकल मानते हैं, अर्थ में ये इक्वेटर होता है और ये पोलर लाइन होती है, इसको लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं, लैम्डा 0 से 90, लैम्डा इज लैटिट्यूड एंगल 0 से 90, इसके बीच में एंगल अलग अलग, 0 से लेके 90 के बीच में देर आर डिफरेंट एंगल्स, उसके बाद ये तो जी एच जी लैम्डा का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन, थ्योरी में ये नहीं है टॉपिक, जी लैम्डा जी ऑन द अर्थ सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंगुलर स्पीड जिससे अर्थ घूम रही है और कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा इक्वेटर पर कितना होगा जी से, जी एट इक्वेटर लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दो कॉस 0 बन, फिर जी एट पोल 90 हो जाता है, तो जी के तो यहां से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू कहां पर ज्यादा है, पोल पर ज्यादा है या इक्वेटर पे ज्यादा, सबसे कम कहां पर है फिर, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे सबसे कम है ना, माइनस कर रहे हो कुछ, और अगर अर्थ घूमना बंद कर दे ओमेगा 0 हो जाए तो इक्वेटर पे भी वही होगी जो पोल पे, बस ये लास्ट लाइन लिख लो, इफ अर्थ स्टॉप रोटेशन, इफ अर्थ स्टॉप सडनली, मान लो अर्थ रुक जाती है, दैट इज ओमेगा इज 0, देन वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी, देन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी increases everywhere except pole, एक पोल को छोड़ दो, value of g increases everywhere except pole, if earth stops then value of acceleration due to gravity increases everywhere except pole को छोड़कर, इसकी ट्यूशन है अभी हमारी गलती है, अभी बैकअप है, टेस्ट है, जॉब जॉब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आप वीडियो भेजूंगा, जॉब जिसकी दूसरी 5 मिनट मुझे और लगाना, थोड़ा सा 15 मिनट बाद का टाइम दिया करो, आने जाने में टाइम लगा, तुम्हारा ये रूटीन बैच है क्या, कभी कभी होता है 15 मिनट का मार्जिन रखते, 11:15 बजे तक, ओके, अगर अर्थ घूमना बंद करेगी तो सिर्फ पोल को छोड़कर एक्सेप्ट पोल एवरीवेयर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जी इंक्रीजेस एवरीवेयर, दूसरा पॉइंट और लिखो है,
If Earth rotate faster, 17 time faster, approximately करना, 17 time faster. अगर Earth 17 time fast हो जाती है, to its present speed. अगर जब हम लगाते हैं तो hypothetical हम सोच रहे हैं. अगर इस वैल्यू को एक्चुअली जी आई डी रोटेट देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर बिकम जीरो और जो लोग इक्वेटर पे रहेंगे वो वेटलेसनेस स्टेट में होंगे. हमारा वेट कहाँ से आता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी. तो हर चीज वेटलेस हो जाएगी, मास मास रह जाएगा, वेट जीरो हो जाएगा और जैसी रोटेशन मिलेगी सब हवा में उड़ जाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे. ये लाइन लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो अपने माइंड में रखो. तो एवरी बॉडी ऑन द इक्वेटर बिकम्स वेटलेसनेस एंड फ्लाई ऑफ विद द रोटेशन ऑफ द फ्लाई ऑफ ओ डबल एस इन द स्पेस फ्लाई ऑफ. तो इक्वेटर पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अगर अर्थ की स्पीड 17 टाइम फास्टर हो जाए, 17 टाइम. और दूसरा और सुनो, अगर 18 टाइम हो जाए तो वेट नेगेटिव हो जाता है. नेगेटिव में तो आप वैसे ही एंटी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते, ग्रेविटी नीचे नहीं आपको ऊपर खींचना शुरू कर देती है क्योंकि आपके ऊपर एपरेंट वेट आपका नेगेटिव हो जाता है. जो आप लिफ्ट वाला पढ़ते हो एपरेंट लिफ्ट में, वहां भी तो वेट नेगेटिव होता है ना जब एक्सेलरेशन चीज से ज्यादा होता है. तो ये वाला फैक्ट आपने ध्यान रखना है. तो ग्रेविटेशन में मैंने दो पॉइंट आपको बता दिया है. फर्स्ट ये था इफ अर्थ स्टॉप ओमेगा जीरो होगा तो इक्वेटर पर वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना. कितनी बढ़ जाएगी? जितनी कम थी आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाएगी. हर जगह पे बढ़ेगी कुछ ना कुछ वैल्यू, बट पोल पे नहीं बढ़ेगी क्योंकि पोल पे जी पहले ही ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता. ओमेगा चाहे फास्ट हो जाए, अर्थ चाहे फास्ट हो चाहे स्लो, पोल पे जी की वैल्यू फिक्स है. उसके ऊपर ओमेगा का कोई फर्क नहीं होगा, जी एट पोल जी है. लेकिन बाकी हर जगह पर ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के देखो, ओमेगा के चेंज होने से जी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा. विद द चेंज ऑफ ओमेगा वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो. Is it clear? तो मैं आप लोगों के ग्रुप में ना एक शीट डालूंगा आज. कल मोस्ट प्रोबली मैं यहाँ नहीं हूँ, सब स्टेशन हूँ. तुम्हारा टेस्ट है, जो बच्चे ड्रॉपर बैच के हैं तुम्हारा टेस्ट है, तुम लोग वो शीट करना ठीक है. फिर परसों सैटरडे कवर परसों सैटरडे को क्लास रहेगी. ये वाली क्लास इस टाइम रहेगी 2 बजे अपर रेगुलर क्लास रखेंगे. वो सिलेबस भी संडे को ऑफर, वो 3 घंटे की थ्योरी क्लास करेंगे, वो संडे को करेंगे. स्पेशल क्लास करेंगे, बताएंगे आपको टाइम, वो ऑफलाइन ही करेंगे. अगर हुआ कैंसिल होगा तो मैं तुम्हें फोन करूं, मैसेज करूं. हाँ बोल तो दिया, बोला नहीं अभी. परसों थ्योरी भी लगेगी, संडे को भी थ्योरी लगेगी.